सदाए रात से मोहब्बत हुई बिखरने लगी। जितने भी जूनियर्स हैं यहाँ उनको एक ही बात करूंगा, मगर मेहनत करनी है तो स्क्रिप्ट याद रखिएगा। एक्टर स्टार नहीं होता है, आपका कैरेक्टर स्टार होता है। जो खुद शब्दों का इतना बड़ा मालिक है उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। My first film, I had written my next script long side, but it took me 5 years to get to make them, and those 5 years was really tough. आपने ये भी साथ में सोच लिया कि मैं लिखूंगा अपनी कहानी? नहीं सर, ये कई फेजेस होते रहे। कभी कभी भी और स्ट्रगल सर उठाए के नहीं मैं लिखूंगा, लिखना आता नहीं, लिखा बोर हो गए, नहीं जमा। अच्छा लगता है कि अलग दुनिया क्रिएट करना, वो दुनिया कैसे होगी, वो लोग कैसे होंगे, किस किस्म का बर्ताव होगा, पहनावा क्या होगा, ये मुझे अट्रैक्ट करता है। मेरा अभी तक ये मानना है कि एक डायरेक्टर का काम है अपने एक्टर तक पहुंचना, और एक एक्टर का काम है अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना, तो वो बहुत जरूरी है। ऑफिस में ही बन स्क्रिप्ट बना रहे हैं और जब एडिट कर रहे हैं, शूटिंग जिसको सबसे ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट अ पैशन थिंग, इट्स जस्ट अबाउट हाउ मच यू आर विलिंग टू जैसे ना झोंक दो अपने आप को। हमें जिंदगी में बहुत सारे गुरु मिलते हैं, एक गुरु नहीं होता। ये जो मेकअप और जिम आ गया ना, ये जब बंद हो जाएगा तो एक्टर जो है बहुत सारे नवाज और बहुत सारे राजकुमार पैदा। अच्छा बुरा वक्त मुझे लगता हमेशा था, आज के लोग बहुत ज्यादा बोलते आज ऑडियंस मैच्योर होगी। अरे भाई कल मैच्योर नहीं थी क्या यार? अपने बाप को गाली दे रहे हो बच्चे। क्या आपको समझना चाहिए कि ये जो चकाचौंध लाइफ ये हमेशा नहीं रहेगी। आपके सक्सेस पे आपके दोस्त और दुश्मन नेविगेट होते रहेंगे। आदमी को अगर नाकामयाबी होना है तो वो कम से कम उस काम में हो जिसे वो करना चाहता है। अब दूरदर्शन ही था एक ही चैनल था, लेकिन वहाँ एक बहुत अजीब सी बात होती, बहुत हॉलीवुड सीरियल चलते थे। शुरू का टेलीविजन जब हम कहते हैं बुनियाद था, नुक्कड़ था, ये जो जिंदगी था, कौन लोग बना रहे थे? कुंदन शाह बना रहा था, मैं बना रहा था, मंजू बना रहा था, सईद मिर्जा बना रहा था। वी हैव टू सैल्यूट मिस्टर रमन बिकॉज ही स्टार्टेड दिस ट्रेंड। या अल्ट्रा इमोशन, द स्लैप, द डॉटर स्लैपिंग द डॉटर। हाय रमन। वो सर वो जो थोड़ा था ना उस आदमी का। मैंने शो प्रोड्यूस किया हीरोइन, इसमें रवि राय ने एक शो डायरेक्ट किया, अनंत राय ने एक फिल्म डायरेक्ट की, ये दोनों भाई कमाल हैं। तो मैंने फोन किया अपने प्रोडक्शन वाले को, मैंने कैसा चल रहा है शो, कहाँ है रवि? सर ये कोने में जाकर कमरे में सोया हुआ है। तो इट वॉज अ कल्चरल शॉक टू मी। मैंने कहा ये यार दोस्त को धोखा दे रहा है, ये रवि राय। कट टू आनंद राय, आनंद राय दूसरा शूट कर रहा है। मैंने फोन किया सर आनंद कैसा है, बढ़िया चल रहा है। अरे आनंद का है, तो क्रिकेट खेल रहा है। सारी चीज़ें व्हाट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, क्रिकेट खेल रहे थे या ये हुआ या ये हुआ या सजे, डिस्पाइट ऑफ दैट वी मेड प्रोडक्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। यस, है ना? अगर हम वो नहीं दे पाते तो आज इन्हीं चीज़ों पे शर्मिंदगी हो रही है। यही सब का चलन शुरू हुआ। मेरा भी मन था कि मैं वीडियो सब करूँ, कौन मगन मारी करेगा, लेकिन मैं 6 महीने खाली बैठा रहा। ये सोचते थे कोई वीडियो आएगा, मैं घर पर बैठा रहा। आफ्टर वीकली के डेली मैं करूंगा ही नहीं, एंड देन फर्स्ट डेली बोल जैसे जैसे कोई आज तक मैं घर बैठा हूं डेली। आई डिडंट टेल आयुष्मान दैट यू विल हैव टू गो टू द केबिन विद दैट कंटेनर। तो मुझे करना क्या है? मैंने बोला वहां कैमरा होगा
और कोई नहीं होगा, तू अकेला होगा, तो देख ले तू क्या कर सकता है। करके मत दिखाओ सबसे पहले, कि कई डायरेक्टर को होता है कि यार उसको एक्ट करके दिखा दो, तो मैं कहता हूँ एक्ट करके नहीं दिखाओ, क्योंकि अगर आप एक्ट करके दिखाओगे तो वो मिमिक करने लगेगा, आपको फॉलो करने की कोशिश करेगा। सम थिंग्स दैट यू फील विल बी बेटर इन अ लॉन्ग फॉर्मेट। अनदर यूनिक थिंग इन योर फिल्म्स आर टाइटल्स, सो अलग अलग टाइटल होते हैं, टाइटल सीक्वेंस, इंटरवल पॉइंट, ये सब बहुत मेरे लिए, यू नो, दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स टू वर्क ऑन इन द मूवी।